आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाली नई स्मार्ट टीवी जिसका नाम है सैमसंग दी फ्रेम। और जिस तरीके से इस टीवी का यूनिक सा नेम है उस तरीके से इस टीवी के यूनिक से फीचर्स और यूनिक से डिजाइंस है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसी टीवी की और इस टीवी में क्या आपको नया मिलता है, क्या यूनिक मिलता है और क्यों आपको ये टीवी लेना चाहिए। बेसिकली ये टीवी बहुत दिनों से ट्रेंड में थी एंड ट्रेंड में आने का रीजन ये है कि जब से यहाँ पर वन प्लस के टीवीज इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए हैं उसी दिन से यहाँ पर इस टीवी की प्राइस यहाँ पर लगातार ड्रॉप होते जा रही है एंड फाइनली ये टीवी आपको फ्लिपकार्ट के सेल में सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपीज में मिल रही है। ओरिजिनली इस टीवी की प्राइस 1,20,000 रुपीज थी बट ये फिलहाल 80,000 में मिल रही है। तो ये उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो लोग एक प्रीमियम रेंज टीवी ढूंढ रहे हैं एंड उनको कोई ब्रांडेड कंपनी का ही टीवी लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग टाइप के वीडियोस डालें तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर कि क्या आपको यहाँ पर यूनिक मिलता है, क्या यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैमसंग प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर डिजाइन की। तो यार टीवी पूरी तरीके से रेड ट्रायंगुलर शेप में आता है एंड देखने में ऐसा लगता है कि आपने कोई फोटो फ्रेम ही खरीद लिया होता है। बिल्कुल फोटो फ्रेम जैसा दिखता है, परफेक्ट दिखता है, एकदम मज़ेदार दिखता है। अब बात करते हैं यहाँ पर साइज़ की। तो यहाँ पर 55 इंचज़ की साइज़ दी गई है जहाँ पर आपको QLED पैनल मिलता है जिसमें आप 4K अल्ट्रा HD 4K वीडियोस प्ले कर सकते हो। और जैसे ही आपको पता है यार सैमसंग यार वाइडली नोन फॉर इट्स डिस्प्ले क्वालिटी, यार एकदम खतरनाक टाइप की डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन वगैरह सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इवन मैंने पर्सनली सैमसंग के टीवीज़ यूज़ किए हैं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर वो सुपर मिलती है। बात करते हैं यहाँ पर हम कनेक्शन पोर्ट की। तो यहाँ पर 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, 3 USB पोर्ट्स मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको अर्थनेट कनेक्शन का भी सपोर्ट मिलता है जहाँ पर अपने टीवी को आप डायरेक्ट इंटरनेट केबल से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो टीवी की डिस्प्ले की जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज दी गई है। यहाँ पर डायरेक्ट LED पैनल यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर अब टीवी की OS की। तो यहाँ पर आपको फिलहाल तो एंड्रॉयड OS यहाँ पर नहीं मिलने वाला है बट यहाँ पर आपको सैमसंग का टाइजन OS मिलने वाला है। ये सैमसंग का खुद का एक OS है टाइजन OS और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको मतलब कि ऐसा ये आपको एंड्रॉयड की कमी महसूस नहीं होने देगा। और इस टीवी में आपको यहाँ पर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम जितने भी यहाँ पर फेमस जो है स्ट्रीमिंग वेबसाइट है सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपको टेंशन मत लो कि टाइजन OS है तो आपको ऐसा कुछ मज़ा नहीं आने वाला है, आपको सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है जैसा आपको यहाँ पर एंड्रॉयड में मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं, डुअल स्पीकर मिलता है, दोनों ही स्पीकर्स की जो आउटपुट रेटिंग है वो है 40 वॉट्स की। तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं पावर कंजप्शन की। तो यहाँ पर इस टीवी की जो पावर कंजप्शन है वो है 155 वॉट्स जो कि एक नॉर्मल टीवी कंज्यूम करता है, तो ये नॉर्मल है, ज़्यादा हाई पावर कंजप्शन नहीं है। साथ साथ बात करते हैं हमें प्रोसेसर की। तो यहाँ पर सैमसंग का खुद का AI क्वांटम प्रोसेसर यूज़ किया है जो कि 4K वीडियोज़ को प्ले करने के लिए बनाया गया है और जिसकी स्पीड है 1.7 GHz है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है। तो यहाँ पर प्रोसेसर में आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रैम की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 GB का रैम मिल जाती है, 32 GB की यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है, आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। यहाँ पर टीवी में आपको 2 मोड्स मिलते हैं, 8 मोड और एक नॉर्मल मोड है, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टीवी में 8 स्टोर भी मिलता है, वो भी आपको बाद में समझ में आएगा। ब्राइटनेस सेंसर मिलता है, मोशन सेंसर मिलता है, बिक्सबी का सपोर्ट मिलता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, एयरप्ले 2 का भी सपोर्ट मिलता है। सो ये थे कुछ नॉर्मल स्पेसिफिकेशन इस टीवी के। तो अब बात करते हैं एक एक स्पेसिफिकेशन को और क्या यहाँ पर यूनिक मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एयरप्ले 2 का सपोर्ट मिलता है जहाँ पर अपने आपके जो एप्पल डिवाइसेस हैं उनको आप डायरेक्टली अपने टीवी में कास्ट कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आपको बिक्सबी का सपोर्ट मिलता है, गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर आपको जो 2 मोड मिलते हैं, आर्ट मोड और टीवी मोड, उनका क्या काम है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पर इसका नाम है दी फ्रेम, तो ये टीवी बिल्कुल ही फ्रेम जैसा दिखता है एंड यहाँ पर जब आप टीवी देख रहे होते हो तो आपके लिए एक नॉर्मल स्मार्ट टीवी होता है, लेकिन जैसे आप फॉर एग्जांपल आप टीवी नहीं देख रहे हो तो आप उसको आर्ट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। और जैसे आप टीवी को आर्ट मोड में डालते हो तो वहाँ पर अलग अलग आर्ट वर्क्स आपके टीवी पे दिखने लगते हैं और टीवी जो है पूरी एक फोटो फ्रेम जैसे दिखने लगती है और आपको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि यार टीवी कौन सा है और फ्रेम कौन सा। तो इस टाइप का कुछ यहाँ पर यूनिक फीचर आपको सैमसंग की दी फ्रेम टीवी में मिलता है। सो यहाँ पर ये टीवी उनके लिए बेस्ट है जिनको आर्ट कलेक्शंस करना अच्छा लगता है, जिनके घर पे आर्ट वर्क्स बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे आर्ट वर्क्स के बीच में ये टीवी लगा सकते हैं एंड जब आपका टीवी देखने का मन हो तो आप टीवी मोड पे स्विच कर दो और जब आप टीवी नहीं देख रहे हो तो आप आर्ट मोड पे
स्विच कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मोर देन थाउजेंड्स ऑफ आर्टवर्क्स यहाँ पर मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली ये है आर्ट मोड, आई थिंक अभी आपको कुछ आइडिया हो चुका होगा। और जिसमें मैंने बताया था आर्ट स्टोर मिलता है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे लिए जब एप्स अगर हमको लेना होता है तो हम ऐप स्टोर में जाते हैं या फिर गूगल के स्टोर में जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपको आर्ट वर्क्स अगर अपने टीवी पे लगाना है तो आपके लिए यहाँ पर आर्ट स्टोर मिलता है, जहाँ पर आप फ्री में ले सकते हो और कुछ यहाँ पे पेड वर्जन है वो पेड वर्जन को भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर सेंसर की, तो यहाँ पर आपको दो सेंसर मिलते हैं, एक है मोशन सेंसर। तो जब आपकी टीवी आर्ट मोड में होती है तो वो क्या करती है, आपके रूम में डिटेक्ट करती है। अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन डिटेक्ट नहीं होता है तो आपकी टीवी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, और जैसे ही आपके रूम में कोई पर्सन एंटर करता है टीवी उसको डिटेक्ट करके वापस से ऑन हो जाती है। इससे क्या होता है आपकी जो पावर सेविंग बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे सेंसर जो है ब्राइटनेस सेंसर की। तो जब आपकी टीवी यहाँ पर आर्ट मोड में होती है तो जैसे कि आपके रूम में लाइटनेस कभी कम कभी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से क्या करता है ये टीवी एनालाइज करता है कि यहाँ पर रूम के अंदर जो एनवायरनमेंट वहाँ पे कितनी लाइटनिंग कंडीशन है, उस हिसाब से वो अपनी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लेवल को एडजस्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एआई का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डिस्प्ले की वारंटी मिलती है 10 ईयर्स की, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर रिमोट की, तो यहाँ पर रिमोट भी काफ़ी सिंपल और साधारण सा दिया गया है। यहाँ पर आपको हॉट्स की मिलते हैं जिसे आप डायरेक्टली अमेजोन वगैरह पे डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। इसके और एक यूनिक फीचर की, तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है जब हम टीवी को वॉल माउंट करते हैं तो नॉर्मली टीवी और वॉल के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, बट इस केस में, इस टीवी के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर जब आप टीवी को वॉल माउंट करोगे तो टीवी और वॉल के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होने वाला है। जिस तरीके से आप किसी फोटो फ्रेम को दीवार पे लगाते हो उसी तरीके से ये भी आपके वॉल पे लग जाएगा और एकदम सेम ऐसा लगेगा कि आपने फोटो फ्रेम ही दीवार पर लगाया है। तो अब आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि यार हमें यहाँ पर HDMI पोर्ट्स वगैरह भी कनेक्ट करना है, तो वो कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? अगर वो कनेक्ट करेंगे तो वॉल के बीच में यार डिस्टेंस आपने बोला है नहीं, तो वहाँ पर वायर सब कहाँ जाने वाले हैं? तो उसके लिए यहाँ पर आपको वन कनेक्ट बॉक्स अलग से मिलता है टीवी के साथ में। ये क्या होता है कि आपको जितने भी जो पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट्स हैं, पावर कनेक्शन पोर्ट है, सब आपको वन कनेक्ट बॉक्स में कनेक्ट करने हैं एंड उसको कहीं दूर रख दो, एंड वन कनेक्ट बॉक्स से सिंपल एक सिंगल वायर जाएगी जो कि एक ट्रांसपेरेंट वायर है, वो सिंगल वायर आपके एक टीवी में जाने वाली है। तो बेसिकली क्या होता है, इसकी वजह से आपको पीछे की बैक्स की स्पेस बच जाती है और टीवी पूरी फ्लैट दीवार पर चिपक जाती है, और आप उस बॉक्स की जो वायर की लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, तो आप उसको कहीं साइड में या फिर छुपा भी सकते हो। तो जिससे कि आपका जो टीवी का सेटअप वो पूरा क्लीन लगने वाला है एंड बहुत ही मज़ेदार का कंसेप्ट है ये टीवी। तो दोस्तों ये था टीवी का स्पेसिफिकेशन। आप मुझे लगता है कि आप जान चुके होंगे कि इसका नाम दी फ्रेम क्यू है। तो यार बहुत ही अच्छी टीवी है, बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आती है, आपको 10 ईयर की डिस्प्ले वारंटी भी मिलती है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ ऐसी टीवी लेने का तो आपके लिए टीवी बेस्ट होने वाला है। तो साथ ही साथ ये सैमसंग की तरफ से आता है, तो यहाँ पर आपको क्वालिटी वगैरह को लेकर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।